सतनाम करता पुरख निर्वैर अकाल मूरत अजुनी स्वभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच तारया जहान लया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुध नो तन कहा जिनी तुध नो तन कहा साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निर्भव ते निर्वैर है सतगुर सेवा सतगुरु सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए साए सतगुरु सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर तन तन पिता तन तन कुल तन तन पिता तन तन कुल तन तन सो जननी जिने गुरु जनया माए तन तन सो जननी जिने गुरु जनया अमृत वेले तो ही आप जी सत्कार योग साढ़े बजुर्ग माता राम कौर जी दे जीवन दे बारे च सत्कार योग माता सुंदर कौर जी दे बारे च साढ़े वड्डी भैण भैण गुरमीत कौर जी ने इतिहास सांझा कीता अंतिम समय का दृश्य सांझा किया उन्हां दियां बख्शिशां जो गजेंद्र कुमार जी भी दोहरा रहे सन जो उन्हां दी कुर्बानी संसारिक तौर तों देखिए तो
संसारिक वस्तुओं की कुरबानी करके उन्होंने ये महत्वपूर्ण साढ़े लिए पोथिया साहब जी ने लैके आना, पलंग साहब जी ने लैके आना, ये ना समाप्त होने वाली बरकत जो साढ़े काम आएगी, साढ़े आने वाली जनरेशन दे काम आएगी, उन्होंने सुचजा राह मिलेगा। इस बाबत आप जी ने खुलियां विचारां सारे इतिहास सांझा कीता। नाल ही अज 75वीं सालाना याद भूटानी परिवार अपने बजुर्ग साढ़े सत्कार बलराज शाह जी भूटानी, मोती शाह मोती राम शाह जी, उन्हां दी 75वीं मिठी याद मना रहा है परिवार। ये बजुर्ग जड़े सन, इन्हां दा सतगुरु भगवान दास जी दे नाल किन्ना प्यार सी। पोथी साहिब साखी भी एक आई है कि 5 रुपए ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਧੰਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਤਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ। ਭਾਈ ਬਲਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਢਿੱਲੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਿੱਲਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਰਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੈ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖ ਲੈ। 100 ਦਾ ਨੋਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ 50,000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੋ, ਇਤਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ 1 ਰੁਪਿਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਟੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੀਨ, 1 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ 1 ਟੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਬਲਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਮਾ ਜੀ ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਇਹ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣਾ। ਆੜਤੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੋਰੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੋਟ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਨੋਟ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਲਰਾਜ ਸ਼ਾਹੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਏ, ਰਾਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿਓ।
ते रामा जी ने उठे ते बोरी चुकी ते ओही नोट जो बलराज शाह दे गए सन ओही वापस दे देता। रामा जी एक ही श्री राम एक ही असी तो तेनों इस करके दे के गए सा तू अपना हाथ खोल ले। रामा जी आखन लगे पापा जी कहते पापा जी मैं बहुत धनवादी हाँ आप जी ने कृपा की लेकिन तुम मैं कह के नहीं गए तो सने क्या सी ये नोट रख ले। मैं रख लिया मैं समझा तो सने संभाल के लिए रखे ते संभलिया तुहाड़ा पिया है नोट। गुरसिख भी धनता दे योग हैं जो गुरसिख की लोड़ ते सेवा करते हैं ते ओ गुरसिख भी धनता दे योग हैं जेडे कि पर धन वाले पासे ध्यान भी नहीं करते। नहीं तो 100 रुपये कितनी वड्डी रकम सी उस वेले। भाई बलराज शाह जी जिन्हें हमेशा ही मदद करन दे विचकार तत्पर रहिंदे सन नाम जपण वालियां ए हस्तियां माता राम कौर जी का जिक्र सवेर तो ही हो रहा है। कुछ सतगुरां दी ऐसी बख्शिश ते रहमत रही सानू बच्चियां नू उन्हां दी सेवा दा मौका मिलिया उन्हां दी सेवा करन दा बचपन कर मौका मिल गया। बावड़े रहांदे वापस जाण वेले असी उन्हां नू बुरज मोहल्ले घर तक छड्डणे जांदे पंद्रह दिन विचकार महीने विचकार एक बारी जिक्र जरूर हो जांदा। बच्चियो सतगुरु भगवान दास जी बचन हैं बच्चियो जे तुहानू हथ दी तली ते कोई सरयों जमा के दस दे ना तां उस ते विश्वास नहीं करना उसनू जादूगर समझना एक मदारी है जादूगर है। कोई हथां ते सरयों जमा के दस दे तुहानू तां ते विश्वास अपने सतगुर ते करना भरोसा अपने सतगुर ते रखना इन्हां जादूगरां ते ते मदारियां ते भरोसा ना कर बैठना। ये बचन सुनावन 1964 विचकार बाबे डेरे दी जिस वेले महूरत होई उस वेले संगमरमर दे पत्थर नहीं लगे सन उस वेले चटाइयां आईयां चटाइयां फूड़ जिन्हां कर कंडे होंदे सन कंडे होंदे सन फूड़ जिन्हां कहिंदे सन ओह आईयां ओह बिछाइयां गईयां उपर भले ही चादर बिछाई जांदी सी लेकिन संगत नूं ओह कंडे तंग करदे सन। माता राम कौर जी कैंची लियांदे सन घरों ते बह जावन उन कंडिया नूं तोड़न दे लई अपने हत्थां दे नाल ओह कंडे तोड़दे सन। ये सेवा माता राम कौर जी सन बचपन का सन नज़ारा वेखिया ते जिस वेले फर्श लगे संगमरमर दे दीवारां ते जिस वेले पत्थर लगे तो माता राम कौर जी सरदार सिंह जी कहण लगे सरदार जी ये बच्चे शामी आंदे ने इन्हां नूं कोई सेवा दे दे। उन्होंने फिर बट्टियां आंदियां किसण वालियां ते दस्या बच्चो ये बट्टी इस तरह दीवारां तुसीं ये किसे फर्श तां मशीन नाल हो जाणगे ते उस वेले ओह दीवारां लई मशीन नहीं सी बट्टी नाल ही दीवारां नूं किसिया जांदा सी ते माता राम कौर जी भी नाल बह जावन माता राम कौर नाल बह जावन ते बट्टी ओह भी दीवारां ते बट्टी किसन नाल रेत पई हुंदी सी रेत लांदे रेत रेत दे नाल ओ बट्टी नूं किसी जांदी सी ओ दीवारां ते ते फिर की होया जदों ये काम होया तां रागा जी नूं आखण लगे माता राम कौर जी रागा जी इन बच्चियां नूं आरती सिखा इन्हें गुरपुरब ते आरती गायन करनगे। सन 65 दी गल है माता राम कौर जी दी बख्शिश ते रहमत दे नाल रागा जी कोल सानों उन्होंने आरती सिखाई 1966 विचकार पहली बारी नाम तारी दस्तारा बंद के महाराज जी पता होना है हाँ हाँ जी नाम तारियां पकड़ियां बंद के सानों फिर उन्होंने पहली वाली आरती माता राम कौर जी ने सानों स्टेज पर बिठाया।
उन्हां दी बख्शिश जो असी स्टेज ते बैठे हां, इह कृपा माता राम कौर जी दी। धन धन माता राम कौर जी, आप जी दी सदा ही जय। उन्हां दा इतना प्यार, गर्मियां दीआं छुट्टियां होईआं, असी स्कूल पढ़दे सां ते सतगुरु सेवा राम जी हापड़ आए बुरज मोहल्ले च, ते माता राम कौर जी आखण लगे दास नूं कह के कि मेरा चित करदा है महाराज उन्हां नूं, इस तरह बोले, महाराज उन्हां नूं सवेरे चाह पिलावां ताज़ा दुध होवे। दास नूं सीन हुण भी याद आंदा है। मैं कहा हुक्म करो जी। आखण तूं फिर दुध लियावी सवेरे किश्नी मासी दे घरों। सन 66-67 दी साढ़े स्कूल दी छुट्टियां सन, कृष्णी मासी घरों दास दुध लै के सवेरे पहुँचया। जिस वेले 6 बजे बुरज मोहल्ले, सतगुरु सेवा राम जी उत्थे हैंड पंप उत्थे लग्या सी उपर वाले, तो सतगुरु सेवा राम जी इशनान करके बस आखिरी मग्गा पा रहे सन। दास पुज्या तो बेजी इतने खुश होए, आखणे शुक्र की बच्चा मैं तेरी इंतजार कर रहा सी, हुण मेरा मन ठंडा हो गया, महाराज उन्हां नूं मैं ताज़े दुध की चाह पिलावांगी। ते उन्हां दी निगाह चली गई सतगुरु सेवा राम जी पासे, ते सतगुरु सेवा राम जी अपना शरीर पूंज के परना बंधिया सी, अंडरवियर उन्हें उतारे सी, ते मैनू आखण लगे जा उन्हां दा कछरा फड़ लै और निचोड़ा। दास डरदा सी क्योंकि साहब महाराज जी नेड़े कोई नहीं आंदा सी उस वक्त। साहब महाराज जी नेड़े कोई नहीं आंदा, जिहड़ा आंदा मत्था टेकदे सी उन्हीं लीला च लीला करदे सन। तो मैं बेजी वाल दोबारा तक आखण लगे तैनू कुछ नहीं आखदे तू जा। साहब महाराज जी कोल दास पहुंचा तो हाथ जोड़े, बई साढ़े सिर सिर से पगड़ियाँ मेखर शायद नहीं सन तां दी गल है। तो सच्चे पातशाह ने आखण कोई ले पकड़, तो मैंने उन्होंने अपना कछहरा पकड़ाया। दास नूं याद चंगी तरह से सतगुरु सेवा राम जो कछहरा निचोड़िया, आखण इत्थे टंग दे, उत्थे टंगिया। वह सीन माता राम कौर जी जो सानू प्यार मिलिया, जो उन्हां दी संगत मिली, ते सतगुरु सेवा राम सच्चे पातशाह बंसी लाल जी नूं कह के प्याजां दा स्टॉक कराउंदे सन। समझना कि कितनी सादगी सी उस वेले, प्याजां दा स्टॉक हुंदा सी कमरे घर, प्याज बिज जावन ते उन्हां दियां भूंकां निकलावन कुछ टाइम बाद। हांजी महाराज जी याद आ गया होणा, तो माता जी उन्होंने कटवावन भूंकां नूं, आखण इसकी सब्जी बनावांगे सी। उन्हां भूंकां दी सब्जी बनदी सी ते असी सारे छकदे सां, सानू छकांदे सन। हाँ जी जी, हाँ जी, दोनों कमरे सौण। हाँ जी, ये नज़ारे अज उन्हां दी याद, उन्हां दा प्यार, उन्हां दी बख्शिशां, उन्हां दी समझावणियां, जो सादगी वाला जीवन उन्हां दा माता जी दा सी। हमेशा यही कहना बच्चो, सादगी वाला काम करो, संगुचे कर रहो, जो काम होवे संगुचे कर रहो, सादगी वाला काम करो। वो ही सादगी वाला सतगुरु सेवा राम जी सानू समझांदे रहे हैं। तो जो विचार सामने आए सन निशानियां दे, कि सानू वो निशानियां साढ़े लिए कृपा कर गए, क्यों जब तक साढ़े को पलंग साहब जी विराजमान रहेंगे, पोथियां साहब रहनगियां, उत्थे ही माता राम कौर जी साढ़े नाल रहनगे, उन्हां दी भी याद साढ़े नाल ही बनी रहेगी। ये निशानियां दी गल जिस वेले आई तो दास नूं एक साखी चेते आ गई। बहुत पहले छज्जू मल दी धर्मशाला कीती सी, सतगुरु सेवा राम जी विराजमान सन, उस तों बाद दोबारा शायद दास नहीं कर सकिया। अज वो चेते आ गई ये साखी, गजेंद्र कुमार जी एक बारी कर चुके हैं उस साखी नूं। गुरसिख सवेरे उठिया, तैयार होया, नितनेम कीता उसने, ते सतगुरु भगवान दास पातशाह जी का जोड़ा साहब उसनू कढ़न लगा। पेटी खोली उसने, पेटी दे उत्ते उसने 3 रुमाल रखे सन। बार वाला रुमाल चमकीला रुमाल सी सुंदर, उसे थले चिट्टा रुमाल सी,
फिर उस थले एक दरी का कपड़ा सी, वो एक एक परत खोलता है तो उसका ध्यान चला जाता है सतगुरु भगवान दास जी चरणों के। पार्टीशन तो बाद जिमें जिमें संगत पाकिस्तान अपने देश नूं अपने पिंडां नूं छड़ के हिंदुस्तान आईया तो जिसनों जो चीज़ मिली सतगुरों के प्यार की सतगुरों की निशानी वो नाल ले आया। क्योंकि हिंदुस्तान जाके किसने किथे रहना है किसने किथे रहना है किसने किथे रहना संगत बहुत सन। अज गुरसिख सतगुरु भगवान का जी का जोड़ा नाल ले आया कि पता नहीं हिंदुस्तान जाके किथे जगह मिलेगी ये सतगुरों का जोड़ा जो सानू प्राप्त होया है मैं सन नाल ले जावां। पेटी खोली जोड़ा कढ़िया जोड़े नू नमस्कार किया गुरसिख दीवान चंद ने रहने वाला देहरादून का। जिस वेले नमस्कार कीती ते अखां चों हंझू आ गए। जोड़े दा जो अवस्था वेखी जोड़े दी कि जोड़ा हुण काफ़ी वृद्ध हो गया है ते इसदी सेवा हो जाए तो बहुत चंगी गल है साडे लई। इह तां निशानी है सतगुरां दी ते असीं रोज़ाना खलो के अरदास जोड़ के करने हाँ ते इसी नाल ही सारे कार्य सारे सवर रहे हैं। इस निशानी दे नाल ही ये निशानी नहीं ये परथक सतगुरु भगवान दास जी हैं। असी अरदास करने हाँ साडे कार्य सवर रहे हैं चित कीता जोड़े दी थोड़ी सी सेवा हो जाए। पेटी संभाली दोबारा जोड़ा रखिया पेटी विचकार संभाल के बाजार आया एक मोची दी दुकान वेखी। मोची नूं पुछदा है बई एक साडा काम है लेकिन तू अगर सुचजे ढंग कर देवें तां। मोची आखण लगा दसो जी। आखण लगा साडे कोल साडे गुरुआं दा निशानी उन्हां दा जोड़ा साहब है जे तू हाथ धो के अपने औजार धो के सिर ते कपड़ा करके आराम दे नाल उस जोड़े दी सेवा जिसनों तुसी मरम्मत कहंदे हो असी जोड़े दी सेवा कहने कर सको तो मैं ले आवां ते तेरे तुहाडे कोल जिहड़ा खाली टाइम होवे फ्री दा टाइम होवे। वो मोची आखण लगा ओ सामने तक उसका लकड़ का खोखा सी लगभग चार साढ़े चार फुट चौड़ा थे थोड़ा गहरा सी दो फुट तो आप बैठता सी ढाई फुट कर थोड़ी एक अद्ध फुट जगह बचती सी। वो कहन लगे वो सामने उपर देख। गुरसिख ने उपर देखा तो की तकदा है भगत रविदास जी की फोटो लगी है एक माला टंगी है अगरबत्ती का स्टैंड भी उत्ते रखा है तो तीली पई है अगरबत्ती की जिहड़ी सवेरे जल चुकी है तो हुण बुझ गई है। इस वेले अगरबत्ती का थलवां हिस्सा उत्ते लग्या है। मोची आखण लगा मैं भी गुरु वाला हाँ मैं भी गुरु वाला हाँ तू अपने गुरुआं का जोड़ा लै के आ मैं बड़े अदब सत्कार नाल सेवा करांगा तू दोपहरे लियाई दो बजे दोपहर दो बजे ले आई थी। गुरसिख दीवान चंद घर आया बड़ा खुश मन होया कि मेरा काम बन गया जिमें मैं चाहता सी उस तरह हो जाएगा। गुरसिख घर आया अगले दिन सवेरे जाना सी हुण मोची कोल इशनान किया दोपहर का वक्त होया चिट्टा जोड़ा पा लिया चिट्टा रुमाल लिया रुमाल सिर ते रखिया। वो पेटी जिस कार सतगुरु भगवान दास जी का जोड़ा सी पेटी नूं सिर ते रखिया पेटी नूं सिर ते रखिया ते नाल चल पिया।
ते जिस वेले मोची दी दुकान ते पुजिया मोची तकदा है कि सिर ते कोई पेटी चुकी हुई है, कोई संदूक लग रहा है, रुमाल कीता है इसने सिर ते, ते उस पेटी उत्ते भी इस दुशाला जा पिया है, सुंदर रुमाला पिया है, की चीज लिया है। सब नाल चूंकि गुरु वाला सी, गुरु दी मत सी उस दे कोल, मोची कोल, ते सब नाल अपने आप ही अपनी जगह तो खड़ा हो गया, अपने स्थान तो खड़ा हो गया, ते उस दे हाथ जुड़ गए। आज मोची दे भी हाथ जुड़ गए। दीवान चंद जिस वेले पेटी नो थले उतारन लगा तो मोची ने अपने हाथ अगे कर देते। दीवान चंद आखन लगा हाथ धोते हैं? आखन लगे हाँ जी बिल्कुल धो के बैठा, औजार भी सारे धोते हैं, हाथ भी धोते हैं। दीवान चंद आखन लगा एक मिनट ठहर जा, जेबे चो दूजा रुमाल कढ़िया विछाया जमीन ते, उथे खोखे दे उथे बिछाया रुमाल, रुमाल बिछा के उत्ते फिर वो पेटी रखी, पेटी ते रुमाल सुंदर सब तो उपर मथा टेक के उस पहले रुमाल नू हटाया, थले चिट्टा रुमाल उस रुमाल नू हटाया, फिर दरी दा एक पतला जा कपड़ा सी पेटी उत्ते रखे वह भी हटाया, ते फिर मथा टेक के उस पेटी दा ढक्कन कुंडा खोल के ते अंदर जिस वेले दर्शन करन दी लालसा मोची नू होई, तो मोची की तकदा है अंदर भी जोड़ा रुमालिया विचकार लिपटा होया है, अंदर भी जोड़ा रुमालिया विचकार लिपटा होया है। बड़े अदब सत्कार ने दीवान चंद ने ओ जोड़ा कढ़िया, कढ़ के सिर ते रखिया, सिर ते रखे पेटी दा ढक्कन बंद कीता, फिर उस जोड़े ने उतार के ढक्कन उत्ते रखिया, फिर एक रुमाला खोलता है, दूजा रुमाला खोलता है, कहता है धन सतगुरु भगवान दास जी, फिर रुमाले की दूसरी परत खोलता है, कहता है धन सतगुरु भगवान दास जी, धन सतगुरु भगवान दास, तीसरी परत खोलता है ते दर्शन करता है ते कहता है धन सतगुरु भगवान दास जी, धन सतगुरु भगवान दास। आज मोची दे भी हाथ जुड़ गए, मोची सुन रहा है कि कह की रहे हैं, मोची देवी हाथ जुड़ गए, तो दीवान चंद ने जोड़ा कढ़िया, तो मोची नू आखन लगा देख तुसी अपनी भाषा कर मरम्मत कहंदे हो, लेकिन मैं असी सेवा कहने जोड़े की सेवा करनी है, बिरध हो गया है, पालश भी लोड़ है, टांका भी जिथे लोड़ है वह करना है। मोची आखना चिंता ना करो, मैं बिल्कुल दुरुस्त कर देवांगा, मेरे धन पाग। दीवान चंद ने जोड़ा मोची दे हवाले कीता, ते मोची दे हाथों भी वो बड़े अदब सत्कार ने मोची ने अपने अगे कीता, ते उसका सिर चुक गया, ते दीवान चंद ने जेब चो अगरबत्ती कढ़ी ते भगत रविदास की तस्वीर अगे लगा दी, ते उसां जला दिता। वातावरण इंज हो गया, ऐसा वातावरण बन गया कि जिथे मंदिर होवे, गुरुद्वारा होवे, जिथे भजन करने का मन करद, दीवान चंद आखन लगा मोची नो तुसी अपना काम करो ते मैं सिमरन कर लेना हाँ। ते मोची आखन लगा कुछ जोड़े बाबत तुसी इतना अदब सत्कार कर दो, कारण की है, कारण की है? दीवान चंद आखन लगा हम तुमको क्या बताएं इस जोड़े के बारे में, इसमें कितनी करामाते हैं, इनसे ये जोड़ा, हम तो जोड़ा कह रहे हैं, हम तो ऐसा लगता है जिन हमारे गुरुओं का जोड़ा है वो प्रत्यक्ष हमारे सामने होते हैं।
दीवान चंद दियां प्यारियां प्यारियां गल्लां सुन के मोची एक टक दीवान चंद नो वेखण लगा। दीवान चंद आखण लगा, इस जोड़े की बरकत, इस जोड़े की इंपॉर्टेंस, इस जोड़े की करामात आप जानना चाहते हो? इस जोड़े की ऐसी बरकत है, इसको जिसने पहना था, जिस आत्मा ने, जिस रूह ने इसको पहना था, वो जिस पर निगाह कर देते थे, जो वचन कर देते वो अटल होता था। जोड़े की ऐसी बरकत है, इनके बुजुर्ग, इनके बुजुर्ग, उनका जोड़ा जिस टाइम जल से छुआया गया ना, जल से, और उस जल को एक बच्चे को आंखों में डाला गया, बच्चे को पिलाया गया, बच्चे की आंखें नई नरोई हो गई, जो कि डॉक्टर हकीमों से ठीक नहीं हो रही थी। जेर जो ये जोड़ा पहनते थे उनका नाम था सतगुरु भगवान दास जी। मोची उच्चारण करते हैं सतगुरु भगवान दास जी, दीवान चंद का हां सतगुरु भगवान दास जी। मोची ने आखण लगा, उन सतगुरु जी के पास एक बच्ची को ले आए, वो बच्ची टाइफाइड के कारण उसकी एक टांग छोटी हो गई थी, लंगड़ी लंगड़ी कहते थे उसे। तो इन साहेबान सतगुरु जी ने वचन कर दिया कि लड़की को जब भी साहब में स्नान कराओ, जब भी साहब जल में जिस वे स्नान कराया गया। बच्ची ने तीन इतवार ही बच्ची, जो बच्ची टाइफाइड के कारण टांग जिसकी लंगड़ी हो गई थी, कई डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि टाइफाइड के बाद बच्चे पर जो असर आता है वो जिंदगी भर वो असर दूर नहीं होता, और बच्ची तीन इतवार स्नान करने के बाद ही बच्ची ऐसी होगी कि कभी ये टाइफाइड आया ही नहीं, उस पर ठीक चलने लगी। दुनिया पूछती थी कहाँ से इलाज कराया। ये उनका जोड़ा है। मोची जेड़ा है उस जोड़े नो नमस्कार करता है, ते हाथ इस तरह करके बह जाता है, ते कहता है दीवान चंद जी और सुनाओ, और सुनाओ। आज दीवान चंद मोची नो सतगुरु भगवान दास जी दे चोज सुनांदे हन, चोज सुनांदे हन कि डागी पिंड दी ओ घटना सुना देंदे हैं कि बच्चे ने जन्म लेना सी, ते घरवाली उसकी बड़ी औखी सी तुलसा सिंह, ते सतगुरु भगवान दास जी को तोताली पिंड सतगुरु जी आए सन, ते ओ मोची नू ओ साखी सुनांदा है। मोची नू कहंदा है, हमारे सतगुरु तोताली पिंड गए थे पाकिस्तान में, अपनी उसे समझाने लिए हिंदी समझा रहे सन। उनका एक गुरसिख तुलसा सिंह आया, उसकी पत्नी के घर बच्चा होना था, तीन दिन से बड़ी परेशान थी, और गुरु महाराज ने उनको दो छुआरे दे दिए और ये कहा अपनी पत्नी को खिला देना, सतगुरु संगता जी भली करेंगे। मोची ने सच जानी कि तुलसा सिंह ने एक छुआरा अपनी पत्नी को दिया, और उसकी उसी वक्त ही दाई ने सूचना दे दी कि तुम्हारे घर बेटा हुआ है। जितने दिन से परेशान थी पत्नी, तीन चार दिन से वो दुखी थी, आराम नहीं आ रहा था, बच्चे ने आना था, और सतगुरु भगवान दास जी कृपा से ये कारण हो गया। ये जोड़ा उनका है जिस पर वचन कर दे। दो चार साखियां और जिस वेले सुनाइयां
हुण साखियां नूं सुणाईए तां बहुत टाइम लगता है। अच मोची जिहड़ा है मन चकार कुछ विचार आ गए मोची दे मन चकार विचार आ गए तो मोची ने की किया उस जोड़े नूं मथा टेकिया उन कपड़े चकार लपेटना शुरू कर दिता। दीवान चंद आखन लगे क्या बात हुई तुमने तो मरम्मत करनी थी सेवा करनी थी। आखन लगे ये काम मैं कल सवेरे करूँगा पूजा करने के बाद। ये गुरु जी का जोड़ा है मैं सुबह से कई हाथों से काम कर चुका हूँ मेरे हाथ इतने साफ नहीं है मैं कल सवेरे स्नान करके पूजा करने के बाद जोड़ा की सेवा करूँगा आप कल आना। तो मोची ने दीवान चंद जी नूं विदा कर दिता तो उस जोड़े नूं बड़े अदब दे नाल जिवें तीन रुमालें कर अंदर लपेटिया सी उसी तरह एक एक करके रुमाल लपेटिया पेटी चकार रखिया पेटी दे उत्ते पहले एक रुमाल पाया फिर दूजा पाया तो बड़ा सोहना रुमाल सब तो उत्ते सी ते रखिया एक खाने च रख के दुकान नूं बंद करना शुरू कर दिता। दीवान चंद नूं विदा कर दिता ते पिछे दुकान नूं बंद करना शुरू कर दिता ते मोची की करदा है पेटी सिर ते चुकदा है उंज ही जिवें दीवान चंद जी लैके आए सन थले रुमाल रखिया सिर ते पेटी चुके घर लै गया पेटी नूं चुके मोची घर लै गया। सतगुरां दीआं निशानियां जिहड़ियां होंदियां ना जिहड़ां दा विश्वास हो जाए जिवें हुणे गजेंद्र कुमार दस रहे सन ना कि सतगुरु सेवा राम जी जो निशानियां हन संत माता जी दीआं जो निशानियां हन सतगुरु भगवान दा इस समय जो निशानियां जिन्हां ने परतख सतगुरु सामने जाणिया है फिर उन्हां दे कारज सवरदे हन। अज मोची नूं महसूस होया कि मैं सतगुरु जी नूं घर लै जा रहा हाँ ऐसी भावना आ रही है मैं सतगुरु जी नूं घर लै जा रहा हाँ। जोड़ा नहीं पाया जोड़े अपने दुकान ते रख दिते ते सतगुरु जोड़ा सिर ते रखिया नंगी पैरी घर वल चला गया। दरवाजा नॉक कीता अंदरों घर वल ही आई आखन लगी पैर तके पहले कि तुहाड़े नंगे पैर क्यों आ गए हो जे उत्ते वेखिया तां सिर ते पेटी है बड़ी सुंदर दुशाले नाल रुमाले नाल टकी हुई है। पत्नी पूछदी है की लेके आए हो की खास चीज लाए हो ते मोची दे अखां चों हंजू आने ही वाले अखां भरिया होईयां हन ते मोची कहिंदा घरवाली नूं मैं अज सतगुरु नूं लैके आया हाँ मैं सतगुरु नूं लै के आया हाँ। तो माई कहिंदी सतगुरु कौन सतगुरु कौन होंदे आखण लगे मैं गुरां नूं लै के आया हाँ। जो गुरु आख्या तां पता लग्या तां असीं भगत रविदास जी दे चेले हाँ तो भगत जी की कोई चीज़ आ गई होनी है कितों मिल गई होनी है कोई तस्वीर मिल गई होनी है। घरवाली ने छेती नाल अपने हाथ धोते पल्लू सिर ते कीता ते हाथ जोड़ लए ये जान के कि भगत रविदास जी कोई मूर्ति कोई उन्हां दी चीज कोई मिल गई है लैके आए हैं। मोची घर पहुंचया बड़े अदब सत्कार दे नाल एक मंजी ते चादर बिछाई ते मंजी ते उस पेटी नूं रख दिता। मंजी ते पेटी नूं रख दिता ते आप इशनान करन चला गया ते घर वाली नूं कहिंदा तू भी इशनान कर ले। अज दोनों ने इशनान किया मोची अज खड़ा हो गया जोड़ा साहब उस पेटी जे पाए हन ते हाथ जुड़े हन ते धर्म सपत्नी नूं कहिंदा अज इन्हां कोलों मंग लै मैं जो साखियां इन्हां दी सुनियां हन ये मन दियां मुरादां पूरियां करदे हन तू भी मंग लै तेरी कुख अजे हरी नहीं होई तू इन्हां कोल मंग लै तेरी कुख हरी हो जाए।
पति ते पत्नी दोनों हाथ जोड़ के बेनतियां कर रहे हैं सतगुरां दे चरणां साहिब जीओ। अरदास करन भगत रविदास जी दे चरणां ते कहंदे ने, हे भगत रविदास सच्चे पातशाह जीओ, जिस रूप कर तुहाडे अज सानू दर्शन होए हन, साडी जोदड़ी है कि साडा वेड़े च भी किलकारियां मारन, साडा वेड़ा भी किलकारियां मारे, कृपा करो। मोची ते मोची दी पत्नी ने पेटी अगे यथा शकत पेटा रखी, क्योंकि जो रिवाज सी उन्हां दा, जो उन्हां दी संस्कृति सी, फल भी रखे, मथा टेकिया, आराधना कीती। धर्म सुपत्नी नूं कहिंदा, इह सतगुरु भगवान दा जी दा जोड़ा है, इह मेरे कोल गुरसिख आया सी उन्हां दा, ते इस जोड़े दी सेवा करनी सी, ते जो बरकतां ते जो चोज इस जोड़े दे दस्सिया उसने, ते मैं तां हैरान हो गया हाँ। मेरे समझ इतना वड्डा, इतनी बरकतां वाला जोड़ा, ते मेरे मन फुरना आया कि क्यों ना मेरे घर भी चरण पै जान, ते मेरे मन दी भी मुराद पूरी हो जाए। धर्म सुपति ने मथा टेकिया, मोची ने अज मथा टेकिया, ते अर्ज की सचे पातशाह कृपा करो साडे घर भी भाग लग जान। जोदड़ी कीती, मोची दौड़दा दौड़दा दुकान ते गया, ते औजार सारे घर ले आया, जो जो चीजां लोड़ सन, ते घर ही उसने जिस वेले जोड़ा साहब दे दर्शन कराए अपनी घरवाली नूं, एक एक रुमाला जिस तरह प्यार नाल तो उतारदा सी, ते जिवें दीवान चंद जी कहिंदे सन, अज मोची कह रहा है धन सतगुरु भगवान दास जी। अज दोनों पति पत्नी बड़े प्यार दे नाल जिस वेले दर्शन करदे हन जोड़ा साहब दे, जिस तरह दीवान चंद जी कह रहे सन धन सतगुरु भगवान दास जी, ते एक कपड़ा उतारदे सन, दूजा उतारदे सन, फिर कहिंदे सन धन सतगुरु भगवान दास जी। अज मोची ते मोची दी पत्नी उचारण करदे हन धन सतगुरु भगवान दास, धन सतगुरु भगवान दास, धन सतगुरु भगवान दास, ते सतगुरु भगवान दास जो आवाज़ा मारे ते वो नहीं आएगा, वो तो सतगुरु आंदा है कोई प्यार ना बुलावे तो सही। मोची ने जेड़े औजार दुकान तो आंदे सन, जो सेवा लोड़ सी अज कर ही कर रहा है कि मेरे घर भाग जाग जान, ते मोची दी धर्म सुपत्नी क्योंकि गुरु वाले सन, भगत रविदास जी नूं मंदे सन, वो भी बड़ी बेबल होई है, ते बड़ी प्रसन्न हो रही है, उस इंज लग रहा है कि मेरे अपने गुरां दा जोड़ा आ गया है, बार बार मथे टेकदी है। अज अगले दिन दीवान चंद जी जिस वेले दुकान ते आए, ते मोची नूं कहंदे ने जोड़ा, तां मोची कहंदा अजे एक दिन होर लगना है, जोड़ा बिरद ज़्यादा है, एक दिन होर लगेगा,
ज़्यादा कह नहीं सकता सी कि एक दिन होर मोची दा मन सी मेरे सतगुरु सतगुरु भगवान दास जी का यह जोड़ा, क्योंकि दीवान चंद जी दस रहे हैं कि सतगुरु जी आप विराजमान हैं तो मोची सोचता है कि मेरे घर विराज रहन। ये प्यार जिन प्रेम कियो तिन ही प्रप साच कहो सुन लियो सब है, जिन प्रेम कियो साच कहो सुन लियो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो साच कहो सुन लियो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्यार कोई करे सही हिरदे तो प्यार करे सही, अज मोची ते मोची दी धर्म सपत्नी हिरदे नाल प्यार करा। दीवान चंद जी आखन लगे एक दिन होर लगेगा, दीवान चंद जी आखन देख करी प्यार नाल काम सत्कार नाल करी, मेरे सतगुरां दी निशानी है मेरे कोल ते मैं निशानी दे बगैर रह नहीं सकता, तू छेती कर तेनों जितनी भी माया लोड़ है मैं देवांगा कम छेती कर, मैं निशानी दे बगैर नहीं रह सकता, मैनू तो प्रतख दर्शन होंदे हन सतगुरु भगवान दास जी दे। मोची कहिंदा कल तुहानू जरूर दे दांगा। मोची घरवाली नूं घर आ कहिंदा कल सानूं इह वापस देनी है निशानी, तू जो सेवा करना चाहनी है कर लै। ते मोची दी वोटी आखदी है फिर इंज करो अज दी रात जगराता करो ते जोड़े साहिब दे कोल ही बैठे रहो, अज रात असीं जगराता करने हाँ ते जोड़े साहिब दे कोल ही बह के असीं आराधना करने हाँ कि सच्चा पातशाह कृपा करे सानू भी प्यार दी दात बख्शे। जिस तरह दीवान चंद नूं जिस तरह उस गुरसिख नूं कुछ नाम नहीं पता सी, जिस तरह उस गुरसिख नो दर्शन होंदे हन सानू भी दर्शन हो जाए। अज सारी रात ओ मोची ते उसकी धर्म सुपत्नी जोड़ा साहब कोल बह के भगत रविदास जी दे गुण गा रहे हन, भजन गा रहे हन, अपने इर्द गिर्द मोहल्ले वाले नो इकट्ठा कर लेता, जागरण कर लिया, उन्होंने दसिया किसी नो कुछ नहीं, बस कीर्तन कर रहे हैं भगत रविदास दे शब्द उन्हां दे भजन गा के दीवाने ते मस्ताने हो रहे हैं। ते इंज उन्हां नूं जापण लगा कि गुरु ने साड़ी गल सुन ली है, अंदरों इंज महसूस होया। किस तरह महसूस होया? जिस तरह प्रकाश लाल कलूर कोट वाले नूं अकाल तखत पलंग साहिब कोल बह के जिस तरह आराधना कर रहे सन, उन्होंने महसूस होया सी कि साढ़े सिर ते किसी ने हाथ रखा है। बाबड़े रे भजन कर रहे सन ना, आए सन दिल्ली तो परेशान सन, भजन करद्या करद्या उन्होंने महसूस होया कि किसी ने साढ़े सिर ते हाथ रखा है। अज मोची ते मोची दी धर्म संपत्ति नूं महसूस होया कि साढ़े सिर ते किसी ने हाथ रख दिता है। बड़ा मन नूं धीरज ते बड़ी शांति प्राप्त होई। सवेर होई ते बड़े अदब सत्कार दे नाल सिर ते कप रुमाल पाया, पैरां च जोड़ा नहीं पाया, नंगे पैर पेटी सिर ते रखी ते दुकान ते लियाया मोची। अज मोची दो अगरबत्तियां जलांदा है, सवेरे आके मोची दो अगरबत्तियां जलांदा है, एक अगरबत्ती भगत रविदास जी उन्हां दे गुरु ते दूजी अगरबत्ती पेटी अग रख देंदा है, पेटी अगे अगरबत्ती रख देंदा है। दीवान चंद जी आ गए 11 बजे दे करीब ते अज मोची दे अखां चो हंजू आंदे हन, क्योंकि उसका जो प्यार जुड़ गया सी जोड़े नाल, जो प्यार जुड़ गया सी पेटी नाल, उस नाल
उसके अखा चो हंजू आंदे हैं। जिस वेले पेटी नू चुक के दीवान चंद नू देना चाहता है, दीवान चंद कहता है पहले तू अपनी पेटा लै लै, तू अपनी मजदूरी लै लै। तो मोची की कहता है, आप जी ने जो इतनी अनमोल चीज दे दर्शन करा दिते हैं, मैं की मजदूरी लवा, मैं तो सारा जीवन इस नू देना चाहना, इस जोड़े नू मैं की मजदूरी लेनी है। तुसा ने ऐसी चीज दे दर्शन करा दिते हैं, सानू सेवा बख्शिश कर दिती है, साढ़े तन पाग हैं। दीवान चंद कहता है फिर तेरे लिए मैं अरदास करांगा। दीवान चंद आखन लगे जे तेरे मन दियां ऐसियां भावना हैं तो मैं तेरे लिए सतगुरु भगवान दास जी अगे अरदास करांगा, सचा पातशाह तेरे मन दे मनोरथ पूरे करे। ते मोची ने पैर फड़ ले दीवान चंद दे, आखन लग बस यही अरदास करी, सचा पातशाह साढ़े घर भी बूटा लावे। फिर भी दीवान चंद जबरदस्ती 10 दा नोट मोची दे जेब च पाया, जबरदस्ती वो नहीं ले रहे। दीवान चंद जी घर आ गए, समा बीत गया। दीवान चंद जी रोज़ाना दा नितनेम, रोज़ाना दा रूटीन अरदास करनी, अरदास भी अगले दिन की सी मोची दे लई। गुरु दी रंग, गुरु दी बख्शिश, गुरु दी कृपा, गुरु दी खेड़ा। दीवान चंद जी अपने कार विहार लई अज तैयार हो रहे हैं। दरवाजे नू नौक होंदी है, दीवान चंद पुछदा कौन, बारों आवाज़ आती है जिसनों तुसा सेवा बख्शी सी असी ओही यहां लोड़वंद, जिसनों तुसा सेवा बख्शी सी असी ओही हाँ। दीवान चंद नू कुछ समझ ना आई कि कौन है बार। जिस वेले दीवान चंद ने दरवाजा खोलिया, सामने की तकदा है, मोची दे हाथे फलां दा टोकरा है, मोची दे हाथे फलां दा टोकरा है। एक बंदा नाल खड़ा है, उसके कोल दो तीन चार डब्बे हैं मिठाइया दे, पिछे धर्म सुपत्नी है ते उसकी गोद कर बच्चा है, पिछे धर्म सपत्नी गोद कर बच्चा। ते मोची कहता है तुहाड़िया अरदासा प्रवान हो गई। मोची कहता है अपने सुनी अरदास, सतगुरे अपने सुनी अरदास, कारज आया सगला रास, कारज आया सगला रास, सतगुर अपने सुनी अरदास, कारज मोची कोलों गल नहीं निकलती, गला उजा रुंधिया होया है, टोकरा फलां दा पकड़िया होया है, एक टक दीवान चंद नूं तक रहा है। तो कहिंदा है तुहाडियां अरदासां प्रवान हो गईयां, तुसी जो कहिंदे सो ओ सच सी, तुसने जो सानूं कहानियां, उसका वर्ड सी कहानियां, जो तुसने सुनाईयां सन सच सन। मैं तुहाडे नाल थोड़ा झूठ बोलिया सी कि जोड़ा कल मिलेगा, मैं तो जोड़े नूं घर लै गया सा, जोड़ा साहब घर लै गया सा, कि मेरी भी अरदास प्रवान हुंदी है, मेरे घर भी बूटा लगता है। शादी नूं कितने साल हो गए हैं, अज सतगुरु भगवान दास जी ने मेरे घर भी बूटा ला दिता, ए वेख बच्चा नाल लैके आया हाँ।
मेरे अड़ोसी पड़ोसियों ने जदों मैं गल सुनाई तो उन्होंने मैनु सलाह दी है इस बच्चे का ना जेड़ा है ना ये भी उस गुरसिख को लिख रखवा के आ दो। अज तुसी इस बच्चे का नाम भी तुसी दस दो बच्चे का ना की रखा जाए। दीवान चंद जी आखन लगे उस मोची नूं भी गुरसिखा सतगुरु भगवान दा जिहदे घर च ये चलत नहीं जो तू फल ले आया है या डब्बे मिठाई दी ले आया है मैं अरदास करना हाँ तो ये तू अपनी बिरादरी चकार वंड दे ये तू उत्थे ही वंड दे क्योंकि सतगुरु भगवान दा जी घर च कर ये चीज़ां मनाई हैं इस अरदास तेली करना हाँ तो जिथे नामकरण की गल तू कह रहा है आ फिर सतगुरां दे चरण अरदास करिए। अज भगत दीवान चंद जी सतगुरु भगवान दास जी आ जिथे सरूप लग्या सी उत्थे अरदासा कीता ते नाल ही गुटका पिया सी उत्थे गुटका गुटके चों शब्द कढ़िया जिहड़ा शब्द का पहला अखर सी उस मोची नूं दस्या कि सतगुरां वालों इस अखर की प्रवानगी हुई है गुटके चों अखर लै के उस मोची नूं ना भी उस बच्चे का रखा गया ते आज मोची गद गद हो गया ते भगत ओ दीवान चंद जी ओ तां अपने समान ही रहे सन कि सतगुर इन्ना वड्डा है उस दियां बरकतां इन्नियां हन उस दे चोज इन्ने हन कि जेड़ा उस दियां निशानियां तक हन ये तां निशानी है ना भावें ओ निशानी पलंग साहिब कहीए भावें ओ निशानी पोथियां होण दे भावें जोड़ा हो ये जो निशानियां ने इन्हां निशानियों जिन्हें सतगुरां दे दर्शन कर ले बेड़े पार होंदे ने। बाणी कहिंदी है तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया मैं मूरख सुन मेरे साहिबा डूबदा पत्थर लीजै प्रणवंत नानक सुन मेरे साहिबा डूबदा पत्थर लीजै डूबदा पत्थर तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया मैं एक न जानिया मैं एक न जानिया। सतगुरु भगवान दास जी दा सतत्रवां ज्योति जोत गुरु प्रभु सतगुरां दी सरपरस्ती चकार
आप जी ने आनंद माणिया। सतगुरां दा कोटान कोटान शुकराना। कल भी संगतां ने शुकराना किया, अज भी शुकराना सतगुरां दा कि आप जी की अपार बख्शिश दे कारण, क्योंकि असी कलयुगी जीव, साड़ी अवस्था है कि असी मेले तकने चाहते हाँ। पिता की बाँह छड़ के जो मेलियां दे आकर्षण होंदे हन उन्हां नूं असी तकना चाहते हाँ, लेकिन पिता ओ ही है जो बच्चे की बाँह फड़ी रखे। कदे मेरा बच्चा रुल ना जावे, जे रुल गया तो फिर रोएगा पछताएगा। बच्चा रुले ही ना, उसकी बाँह फड़ी रखता है पिता। तो सतगुरु भी साड़ी बाँह फड़ी रखते हैं। ये जेडे प्रोग्राम होंदे हैं ये साड़ी बाँह सतगुरु फड़ी रखते हैं। बाहां पकड़ कढ़ लीने अपने, ग्रह अंध कूप ते माया, कहो नानक गुरबंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। बेअंत भुलां हो गई होनियां बोलदियां आप जी ना चितारना। अगों लई भी मेहर भरिया हाथ सिर ते रखे, अपनी सेवा आप लैनी। धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सदा। धन धन सतगुरु सेवा राम साहेब आप जी दी। धन धन माता राम कौर जी आप जी नूं कोट कोट नमस्कार। धन धन संत माता जी आप जी नूं कोट कोट नमस्कार। बेनती करांगे।